अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं आज बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी, तंदूरी चिकन। मैंने लिया है चिकन के लेग पीसेस, इसमें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं थोड़ा सा नमक और नींबू लेमन लगा के एक हाफ एन आवर के लिए रख दूँगी, ताकि इसमें की स्मेल जो है बेसन वाली वो भी ना आए। और जितना मैं लगा के जब रखूँगी, इसके बाद हाफ एन आवर के बाद जितना भी पानी निकलेगा वो पानी को आपको फेंक देना होगा। ऐसा लगा के रखने से जो है स्मेल नहीं आती, एकदम बिल्कुल अच्छा टेस्ट भी ज़्यादा आता है। देखिए मैंने हाफ एन आवर लगा के रख दिया था। मैं मैरिनेट कर रही हूँ। मैं डाल रही हूँ दही, कर्ड, 2 टेबल स्पून कर्ड डाल रही हूँ मैं। और इसमें ऐड कर रही हूँ गिंगर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और तंदूरी मसाला। अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं है तो ऑप्शनल है, आप गरम मसाला या मटर मसाला या चिकन मसाला जो भी अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी पेरी पेरी सॉस, थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ। ऑलरेडी मैंने पहले सॉल्ट डाला था, थोड़ा मुझे कम लगा, थोड़ा मैं ऐड कर रही हूँ पेरी पेरी सॉस और रेड चिल्ली सॉस। इन सबको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेशन करके आप रख दीजिए 2 से 3 घंटे के लिए। जितना आप मैरिनेट करके रखेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट आया। चाहे तो आप ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, या कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए मैरिनेशन करके रखिए। जितना मैरिनेशन करेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। और ये बहुत झटपट सा बनता है, जैसा शादियों में बनाया जाता है या बाहर जो मिलता है रेस्टोरेंट स्टाइल, सेम वैसे ही बनता है तंदूरी चिकन। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन माइक्रोवेव में बना सकते हैं, या एयर फ्रायर में, या नहीं तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मगर इसको पहले मैरिनेशन करके अच्छे से रख दीजिए, तब इसका टेस्ट आएगा। देखिए मैंने अच्छे से मैरिनेशन करके रख दिया था। अब मैंने निकाला है फ्रिज में से 3 घंटों के बाद, 3 आवर्स के बाद मैं करी एयर फ्रायर में फ्राई, क्योंकि एयर फ्रायर में फ्राई करने से ये बेनिफिट होती है कि हमें कम ऑयल में अच्छी चीज़ खाने के लिए मिलती है, वरना डीप फ्राई करने से ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा ऑयल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, इसलिए आप जितना हो सके कम ऑयल यूज़ करना की कोशिश करिए। मैं एयर फ्रायर में इसको पहले सेट कर लूँगी, इसके बाद बस ब्रश से मैं ऑयल लगाऊंगी, बस ब्रश लगाऊंगी। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं या माइक्रोवेव में भी फ्राई कर सकते हैं। देखिए मैं एयर फ्रायर में 180 डिग्री पे 10 मिनट्स पहले फ्राई कर लूँगी, इसके बाद इसको निकाल के मैं एक बार चेक करूँगी। देखिए मैंने निकाला है, ये ऐसा लग रहा है 10 मिनट्स के बाद। अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी ब्रश से, फिर मैं एयर फ्रायर में रख दूंगी 180 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए। देखिए टोटल 20 मिनट्स में वन साइड पूरा कुक हो चुका है। अब मैं इसको टर्न कर लूंगी अच्छे से, पूरा टर्न करके पलटा के फिर मैं ब्रश से ऑयल लगा के फिर 20 मिनट्स कुक कर लूंगी।
देखिए बहुत झटपट सा बन जाता है तंदूरी चिकन, या आप चाहे तो चिकन पीसेस भी बना सकते हैं, या लेग पीसेस से भी, या ब्रेस्ट पीस से, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, इसको ज़रूर ट्राई करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।